बाल विकास विभाग मीटर का वेइंग स्केल जिन्हें भी दुकाना कंडे होंगे तकड़ी होंगी उन्होंने बॉडी है हम मीटर देखो मिनिमम फेयर 40 रुपीज पर इनिशियल डिस्टेंस अप टू 1.5 किलोमीटर देयर आफ्टर 2.64 एवरी 100 कि जैसे ओला को जैसे कईयों ने गाड़ी दी हुई है कि भाई हम अपना डेली का रेंट लेंगे वो लोग 800 रुपए में गाड़ी मतलब रेंट वो जैसे आप गए गाड़ी लेने आपको गाड़ी दे दी 800 रुपए में पर डे का लूंगा मैं बोलता हूँ कि उनको बचता कैसे 800 उनको देंगे इसलिए 500 की गैस भी जाएगी 1300 तो ये हो गया तो मुझे बाद में पता लगा कि भाई ये लोग को तो कोई साइकिल नहीं देता ये लोग को 800 रुपए में गाड़ी इनको इनके नीचे गाड़ी आ गई वही बहुत इनको बहुत ये बात खुशी है कि गाड़ी लेंगे थोड़ा बहुत गैस डालेंगे 200-400 रुपये कमा लिए अपने नशे पत्ते तो करेंगे कि अभी समझो मान लो कि हम लोग गए हैं आपका ट्रिप हुआ 40 किलोमीटर का बिलिंग है 20 किलोमीटर की लगाते रहो बिलिंग हुई है 20 किलोमीटर की लगाते रहो कस्टमर केयर को फोन कोई सुनवाई नहीं मतलब जल्दी तो कोई फोन उठाता ही नहीं कस्टमर केयर वाला। सत श्री अकाल जी आदाब नमस्ते मैं आपका अपना वरिंदर सिंह गेडी टॉक शो पे आज हमारे पाजी आ रहे ने जग्गा पाजी जो कि पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर है कुछ उनसे कुछ नॉलेज लेंगे टैक्सी के बारे में और कुछ उनसे सीखेंगे उनके लाइफ के बारे में तो आज हम उनकी गाड़ी में बनाएंगे तो पाजी बोला मेरी गाड़ी बनाएंगे मैं कहा ठीक है तो हम गाड़ी करते हैं पार्क और उनकी गाड़ी में बनाते हैं पर पार्किंग की जगह नहीं मिल रही तो वही देखा तो पाजी बोला लगा दे मैं लगाता हूँ पार्किंग की जगह मिल जाए बस सियाने कहते नहीं ड्राइवर को ये तो है बॉम्बे में पार्किंग और एक चाय का कप मिल जाए ना आधी जिंदगी सॉर्ट हो जाती है भाई अभी चलते हैं आज की गाड़ी में चले हाँ जी हुण असीं बैठ गए जग्गे पाजी की गड्डी च ते पाजी ने थानू मिलाण दिया कैमरा सैटिंग कर दे और पाजी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल क्या हाल है जी हाँ जी हाँ जी बेल्ट जरूरी है जी क्योंकि साड़ी ही सुरक्षा लई हुंदी है स्वागत है हमारे चैनल पे गेडी टॉक पे थैंक यू जी थैंक यू असीं तां यार बिल्कुल आम जे बंदे आ तो पहली बार इहो जिहा कुछ लग्गिया करन पाजी आपां हिंदी च गल करनी चाहुंदे हां हिंदी ठीक है क्योंकि ऑडियंस अपनी नेशनल बन गई मतलब सारे समझ आवे ओके ओके क्योंकि और पाजी बढ़िया सब हाँ जी एन वधिया 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 चल रही जिंदगी कैंट एन वधिया चलो ठीक है वीरे होर दसो थोड़ा इन अपा बहुत ही शॉर्ट टाइम में वीडियो बनानी पाजी ताकि okay. आजकल लंबी वीडियो देखते नहीं अपने इंट्रोडक्शन दियो पाजी कैंट जा तुसी किथे तो हो मतलब पढ़ाई किथे करी इंट्रोडक्शन तो ऐसा है कि बॉर्न इन पंजाब ओके 6 साल 6 या 7 साल का सीगा मैं जदूरे आ गया सीगा अच्छा जी एक दो क्लासा मतलब पंजाब पढ़िया अपना फेमस स्कूल उ बाबा फतेह सिंह बाबा जोरावर सिंह अच्छा बाद में यहाँ पे आ गया था तो फर्स्ट टू टेंथ जो हमारा स्कूल था वो मतलब टेंथ तक था बाद में इलेवन ट्वेल्थ कॉलेज अच्छा कॉलेज के बाद जॉब वगैरह किया हाँ जी अच्छा तो पहले और जॉब करते हाँ जी मैं जॉब करता सीगा किस चीज में जॉब मैंने किया है ब्लू डार्ट में अच्छा फिर उसके बाद सिक्योरिटी में भी किया था ऐसे एरिया मैनेजर अच्छा मतलब काफी जिंदगी जब तुसी फिर होटल मैनेजमेंट के बारे में भी सोचा हो जो कैडल रोड पे कॉलेज था ना होटल मैनेजमेंट का जी बट एक बात होती है ना जैसे अगर आपको जैसे समझो हमारा तो भी काम था फादर का ये बिजनेस था ना टैक्सी का हाँ जी हाँ जी तो अगर आपको उसके बारे में आइडिया हो और आपने गाड़ी सीख ली हो और थोड़ा बहुत पता हो एक आदमी के पास बैकअप हो ना फिर वो जॉब में अगर तो वो सही नहीं है मतलब थोड़ा बहुत मस्ती खा रहे या थोड़ा बहुत वो जॉब में ज्यादा टाइम टिकता नहीं है वो बिकॉज उसके पास कभी भी बैकअप होते हैं अब जितने भी देख लो अपने भी जितने भी जिनके पास भी ट्रांसपोर्ट थी अपने जितने भी स्पेशलिस्ट के बच्चे हैं उनको पता था यार अगर
कि वो टाइम पे कमाई भी अच्छी थी कि हम अगर 7-8 हजार रुपये मंथली कमा सकते हैं और जॉब वो टाइम पे 3,000-4,000 तो आदमी ज्यादा मतलब वो नहीं सहन करता किसी का कोई ज्यादा मतलब कोई उसका काम का एटमोसफियर ठीक नहीं है जिसको लग रहा है कि यार बहुत सारा सुनना पड़ रहा है सुनना तो पड़ता ही है सबका हाँ जी तो आदमी बोलता है यार छोड़ो यार मतलब कहते किसी से दवा नीचे नहीं काम कर सकते हाँ मतलब गल बहुत हद तक ठीक नहीं है हाँ, राइट, राइट, राइट। किसी के नीचे काम करेंगे तो भी आपके नीचे वो ज्यादा कोई अच्छी मेंटेलिटी नहीं है बट वो उम्र ऐसी होती है कि होता है यार जब हमारे पास काम है तो हम अपना ही काम करेंगे ना और वो टाइम पे मतलब इनकम भी अच्छी थी जैसे 7-8 हजार रुपया मंथली या 10 हजार भी मंथली बन जाता था और जॉब 2,000-3,000 ये 2000 की बात है अच्छा फिर भाजी इस लाइन 2002 का पर इस लाइन कितना टैक्सी लाइन फिर जॉब छट के ये लाइन चाहे वही तो मैं बोल रहा हूँ हम वही बोले कि बस मतलब ऐसे था फादर कि, नहीं फादर को तो बहुत था कि यार ये पढ़े एडुकेशन के लिए तो उन्होंने बहुत वो किया पापे नु आए सीगा भी वधिया पढ़े जिन्ने भी पैसे चाहिए जेड़ा भी क्योंकि वो बहुत वो थे ना यार एकदम देसी अपने पेरेंट्स जे मैं अज तक अपन पता है कि यार आ कोर्स कर लो ये पढ़ लो वो पढ़ लो वो टाइम पे वो तो सिंपल बोलते थे भाई पढ़ लो पढ़ाई ही तुम्हारे साथ रहेगी पढ़ाई ही मेन है मतलब जो बेसिक एक बात होती है क्योंकि उनको पता था कि पढ़ाई की तो वैल्यू है बट हम कोई और ही उसमें थे मतलब हूँ लाइफ कितना चल रही भाई अभी ठीक ठाक बहुत बढ़िया ठीक है भाजी फिर मैं थोड़े पेशे बारे पूछदा कि जद मैं भी पंजाबी चाह गया पाजी पंजाबी फ्लेवर देख के अगर जब आप इस पेशे में आए टैक्सी के तो पहले के माहौल और अब के माहौल में क्या फर्क है मतलब पहले की गाड़ियाँ कैसे होती थी मतलब काम कैसे होता था अब में कुछ फर्क आया तब से जब से आप ज्वाइन किया अब तक हाँ हाँ बहुत बहुत जमीन आसमान का फर्क है मैंने समझो जैसे मैं आया था पहले थोड़ा जैसे 12th एग्जाम के बाद ऐसा था कि यार मतलब आ गया था मतलब बट फेम मतलब ये था ना कि टैक्सी चलानी आ गया था बट साथ की जॉब करेंगे थोड़ा छुट्टी है रिजल्ट का वेट करेंगे फिर उसके बाद जॉब किया शायद मेरा लाइसेंस 2002 का ऐसा कुछ है मतलब वो टाइम मैं जब भी आया था तभी सुमो जा रही थी ओके कॉलेज फुल फॉर्म में थी जैसे आज इनोवा क्रिस्टा है कॉलेज मतलब पूरे फॉर्म में थी ओके और छोटी गाड़ियों में इंडिगा आ रही थी स्टीम ये सब चलती थी और हमारे पास थी फियट अच्छा फियट हाँ बॉम्बे की तो मानी हुई टैक्सी 2002 में फियट पे मैं ड्राइवर बना हूँ उसका गियर भी वो डिफरेंट था ना हैंड गियर होता था हैंड लीवर और किसी किसी में फ्लोरिंग गियर आ गया था ओके 97 में कूल कैब आ गई थी इसी गाड़ी अच्छा 97 में कूल कैब आ गई थी और 98 के आसपास ऐसा कुछ मतलब लोगों ने सब कुछ स्टार्ट किया था मैं ग्रुप बना के कि गाड़ी में हॉकी डॉकी भी होता था ओके तो लोकेशन पूछना किसी को कि यार कहाँ पैडर रोड में गाड़ी नहीं है मतलब कुल कैब कैसे आपको रोड पे चलती नहीं मिलेगी राइट जैसे आज अगर आपको मतलब सेल्फ ड्राइव गाड़ी चाहिए तो आपको रोड पे नहीं मिलेगी आपको ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी ऐसा तो वैसे कुल कैब के मतलब एक स्टैंड होते थे जैसे ब्रिज कैंडी में एक है एक हाजी वली में है एक ताड़देव में है एक फिर अपना जो बैंड्रा लिंकिंग रोड है ना वहाँ पे होता था फिर जे अपने जू स्कीम जो सर्कल है जे वी बिल्डिंग एयरपोर्ट में होता था हिरणदाई में तो स्टैंड्स थे मतलब उसके भाजी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी आपकी कि पुरानी जो टैक्सी होती थी फियट उसमें वॉकी टॉकी लगा हुआ था तो यार उस टाइम पे भी ऐसा होता था अब इसमें जो मैं आपको कुछ बातें बोलूंगा ना कुछ मैंने सुनी हुई है बातें अच्छा कुछ मैंने सुनी हुई है और जो मेरे से पर्सनल है मैं बोल दूंगा आपको कि ये मैंने पर्सनल खुद देखी हुई है हॉकी डॉकी वाली बात मैंने सुनी हुई है हाँ कि होता था बट वो साल दो साल तीन साल ही रहा जब तक कुल कैब इतनी आम नहीं हुई थी थोड़ी कुल कैब थोड़ी प्रीमियम मतलब ऐसे रोड पे जल्दी आपको मिलेगी नहीं वो स्टैंड पे जाना पड़ता था पर अच्छा बट ये बात है कि अच्छा था मतलब उसी को अगर अभी क्या बोले हमारे यूनियन की वो कहें या कैसे कहें वो सब जो अगर वहां पे अगर तभी इतने अपडेट थे तो आज तो मतलब क्या से क्या हो जाता बट बात ये है कि तब भी लोग मतलब कहते थे कि जब इतना बिजनेस था कि यार इस लाइन में मत आओ खराब है और आज भी लोगों की मेंटेलिटी यही है कि इस लाइन में मत आओ बट आज तो वाकई खराब हो गई है पहले अच्छी कमाई थी कमाई भी अच्छी थी रिस्पेक्ट भी अच्छी थी सब कुछ अच्छा था पहले बिजनेस भी बहुत था आप जब चाहो मतलब
आप अपने मन के राजा हो, जब भी आप गाड़ी निकालोगे आपको जितना बिजनेस करना है, जितना आप में दम है उतना बिजनेस करके आप आ सकते हो। ऐसा था, बढ़िया है। तभी पहले बॉम्बे सपनों का शहर माना जाता था, अभी माना जाता है। हाँ, बट पर अभी इस लाइन का क्या कंडीशन है कि पहले की लाइन अच्छी, मतलब काम अच्छा था टैक्सी में या अच्छा है? तो काम तो मतलब पहले भी अच्छा था, अभी 2000 मतलब कोविड के पहले तक तो बहुत अच्छा था। कोविड के बाद से थोड़ा सा मतलब काफी ठीक नहीं है, खराब हो गया। खराब नहीं बोलना चाहिए, बट जो है कंपटीशन बहुत आ गया है। हाँ, तो जब मैं एक्चुअली टैक्सी लेने आया ना, हाँ जी, मतलब मैं ये साल का फेयर चलाई हूँ, अच्छा उसके बाद मैंने वो डाल लिया था इंडिका। तो जब भी मैंने इंडिका डाला था तभी 16 रुपया मतलब मीटर स्टार्टिंग था। ओके, 16 रुपया। और ब्लैक एंड येलो का 13 रुपीज। ओके, और मतलब किलोमीटर वही पड़ जाता था आपको, जैसे फर्स्ट जो किलोमीटर है वो 16.5 का चार्जेस होगा, उसके बाद मतलब 13-14 के हिसाब से किलोमीटर था। 13 रुपए तो मतलब होगा। ओके, बट तभी मीटर से कोई जाना मतलब प्रेफर नहीं करता था, मतलब नहीं करता था, प्रेफर नहीं करता था। ओके, तो गाड़ियां कम थी, डिमांड ज्यादा थी। राइट, मतलब आज जो हुआ है ना, इसमें मैं नहीं बोलूंगा कि ओला उबर वालों की ऐसा हो गया, हमारी भी गलती थी। आपकी गलती मतलब कैसी? मतलब हमारे टैक्सी वालों की गलती थी, क्योंकि मतलब, जैसे मतलब रिफ्यूजिंग बहुत था। ओके, जैसे शाम को ऑफिस छूटे हैं, पैसेंजर्स रोडों में खड़े हैं, टैक्सी वालों को बोल रहे भैया यहाँ चलोगे? नहीं भैया यहाँ चलो, नहीं हम इतना लेंगे तो जाएंगे। मतलब मीटर का रेट तो था अच्छा, ऐसा नहीं कि मीटर में थोड़ी बहुत कमी होगी, क्योंकि मीटर का रेट बहुत टाइम के बाद बढ़ता था। तो कभी कभी पैसेंजर भी ऐसा भी होता था कि प्रॉब्लम भी जेन्युइन होती थी, ड्राइवरों की भी जेन्युइन थी, बट कोई कोई ड्राइवर तो जानबूझ के करता था, उसको जाना नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, तो पैसेंजर परेशान। तो गवर्नमेंट को ये था कि इनको गाड़ी तो देनी है। जब भी साहब मतलब प्रॉब्लम बढ़ती गई, जब भी थोड़ा पता, फिर पुलिस कंप्लेंट, मतलब जब जब गवर्नमेंट ने ये नोटिस किया कि कस्टमर्स बहुत हैं और गाड़ी मतलब मार्केट में पूरी नहीं हो रही है। इसमें ये था ना कि अभी जहाँ पे हो रहा है आपका मीटर मतलब 300 रुपये, वहाँ पे बोलोगे हमें तो 500 चाहिए तो हम आएंगे। अभी सब लोग तो देते नहीं थे। राइट, तो उसके बाद फिर इंट्रोड्यूस हुई मेरू। मेरू, हाँ, मेरू आई, उसके बाद टैब आई। ओके, फिर इजी कैब आई, मतलब बहुत, बट बात ये थी कि उससे भी हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। मार्केट में प्लेयर जितने मर्जी आ जाए आपका कभी नुकसान नहीं होता, अगर आपकी सर्विस अच्छी है तो। राइट, नुकसान होता है जब रेट्स में आपका बहुत ये हो जाए कि जब भी जो मेरू थी उसका भी रेट हमारे जितना ही था, बट ओला उबर ने आकर तो सर इतना गंद डाल दिया, मतलब जहाँ पे हमारा 1000 रुपए होता है, हाँ जी, वहाँ पे उनका 300 रुपए होता है। इतना डिफरेंस है। तो ड्राइवर को बचता क्या उसमें? अभी आपको एक मिनट, आप इधर आइए, मैं आपको चीज बताता हूँ। हाँ जी भाई, जाना किथे दसो, तो लेके चलिए। चलो जी, जिथे मर्जी चल, जिथे अपनी गड्डी जाओगी। हाँ जी, हाँ जी, प्राइस थोड़ी जी बात रखो, तो डीजल चलाने की आदत ना, तो थोड़ी जी मिसिंग भी है इहदे। हाँ जी भाई, ये ना हम देखो, हूँ साड़ी गड्डी दे विच ना, तुसी इत्थे मड़ जा कैमरा मार दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये अपना मीटर है गवर्नमेंट का ही। ओके, रूल दे हिसाब नाल गड्डी पर उरे लग्या हुआ होना चाहिए है। ओके, और उरे फोर हायर लगना चाहिए था। ओके, बट हुण कस्टमर पुछदे ही नहीं कदे, सानू इहदे विच प्रॉफिट है, हुण गवर्नमेंट दा मीटर है ये। जी आ देखो ना, 40 रुपीज आए दे पर किलोमीटर दे। ओके, ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾਓਗੇ ਨਾ, 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹਦਾ 200-300 ਰੁਪਏ, ਮਤਲਬ 40 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 40 ਦਾ ਰਹੂਗਾ ਇਹ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਣਾ ਜਿਹਦਾ 28 ਰੁਪਏ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਮੀਟਰ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ
ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਹੈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫੈਰੋਮੀਟਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਾ ਸਭ ਦੇ ਸੈਨ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵੇਇੰਗ ਸਕੇਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਸ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਡੀ ਆ ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਦੇਖੋ ਮਿਨੀਮਮ ਫੇਅਰ 40 ਰੁਪੀਸ ਫਾਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪ ਟੂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇਅਰ ਆਫਟਰ 2.6 ਫਾਰ ਐਵਰੀ 100 ਮੀਟਰ 2.6 ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 26 ਰੁਪਏ ਔਰ 164 ਐਨ ਆਰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 160 ਰੁਪਏ ਵੇਟਿੰਗ ਜੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲੂਗੀ ਸਮਝ ਲਓ ਗੱਡੀ ਜੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ 26 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ 260 ਰੁਪਏ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਾਈਟ 800-900 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 160,000-1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਣ ਓਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਇਹ ਸਭ ਕੋ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਓਲਾ ਉਬਰ ਵੀ ਕਿਆ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਰੇਟ ਲਗਾ ਰਹਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਰਾਈਟ ਤੋ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਓਲਾ ਉਬਰ ਮਤਲਬ ਕੈਸੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਤੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰੋਂ ਕੋ ਸੈਲਰੀ ਕੈਸੇ ਬਚਾ ਲੇਤੇ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੈਲਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਾ ਪੈਸਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜੈਸੇ ਹਮਾਰੇ ਜੈਸੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੋ 20-20 ਸਾਲ ਸੇ ਗਾੜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸਮੇ ਕੈਸੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਓਲਾ ਉਬਰ ਥੀ ਤਬ ਤੱਕ ਠੀਕ ਤਾਂ ਅਭੀ ਇਨ ਡਰਾਈਵ ਰੈਪਿਡੋ ਯੇ ਵੋ ਮਤਲਬ ਜੈਸੇ ਉਸਮੇ ਕੈਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲੁਕ ਹੋਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਡਰਾਈਵਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ ਜੈਸੇ ਹਮਾਰੇ ਜਬੀ ਹਮ ਥੇ ਜੀ ਉਸਮੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਥੀ ਜਬੀ ਪਹਿਲੇ ਓਲਾ ਉਬਰ ਨਹੀਂ ਥਾ ਉਸਮੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਥੀ ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ ਬਟ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕੈਸੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਚਰਸੀ ਗਰਦੁੱਲਾ ਉਸਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਓਲਾ ਉਬਰ ਕੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਰਾਈਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗਾੜੀ ਚਲਾ ਲੇ ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈਟ ਉਸਕੋ ਆਸ ਦਿਖਾ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਲੇਗਾ ਕੱਲ ਉਹ ਸਵੀਗੀ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਕਰੇਗਾ ਪਰਸੋਂ ਕਹੀਂ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਕੁਛ ਕਾਂਡ ਕੀਆ ਕੋਈ ਸਲਾ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਗਾੜੀ ਛੋੜ ਕੇ ਗਾਉਂ ਭੱਗ ਜਾਏਗਾ ਰਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਜੀ ਉਸਮੇ ਆਦੇ ਐਸੇ ਚਰਸੀ ਗਰਦੁੱਲੇ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਮੇ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਟੈਕਸੀ ਮੈਂ ਥੇ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਟੈਕਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਐਸੇ ਸਭ ਹੋਤੇ ਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਤੀ ਥੀ ਬਟ ਕਮ ਥੀ ਓਕੇ ਅਗਰ ਉਸਮੇ ਯੇ ਸਭ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 5 ਜਾਂ 10% ਥੀ ਤੋ ਓਲਾ ਉਬਰ ਮੈਂ ਯੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 30-35% ਹੈ ਅਭੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਤਾਓ ਅਭੀ ਹਮ ਖਰਗਰ ਮੈਂ ਰਹਤੇ ਹੈ ਹਮ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੇ ਲੇਤੇ ਹੈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੁਪ ਕਾ 1200 ਰੁਪਏ 1000 ਰੁਪਏ ਜੀ ਅਭੀ ਜੋ ਆਦਮੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵੋ ਆਪਕੋ ਕੈਸੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇਗਾ ਰਾਈਟ ਵੋ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਲਾ ਹੁਆ ਹੋਗਾ ਰਾਈਟ ਆਪ ਉਸਸੇ ਕੁਛ ਵੀ ਆੜੀ ਟੜੀ ਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਤੋ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਸੇ ਕੈਸਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਵੋ ਰਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੋਲਾ ਆਪਨੇ ਔਰ ਗਲਤੀ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਜਬ ਵੀ ਜੈਸੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਤੋ ਸਰਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਖਰਗਰ ਸੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੇ ਖਰਗਰ ਕਾ ਆਪਕੋ 1800-1900 ਵੋ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਮ ਰੇਟ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤੋ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ ਅਭੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੈਸੇ ਹਮਾਰੇ ਸੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੀ ਅਗਰ ਲੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਹਮਾਰਾ 1200 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਪ ਦੁਪਹਿਰ ਮੇਂ ਜਾਓ ਰਾਤ ਮੇਂ ਜਾਓ ਹਮਕੋ ਅਗਰ ਹਮ 1 ਘੰਟੇ ਮੇਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਵੀ ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਹੈ ਅਗਰ ਹਮਕੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਗੀ 3 ਘੰਟੇ ਲਗੇ ਤੋ ਵੀ ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਹੈ ਰਾਈਟ ਮਤਲਬ ਰੂਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹਨਾ ਰੂਲ ਹੀ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਬੜੀਆ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੇ ਆਪਕਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੁਲਾਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸਕਤਾ ਜੀ ਐਸਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਜੈਸੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਸਟਮਰ ਸੀ ਹੈ ਓਕੇ ਔਰ ਹਮੇ ਕੋ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾ ਮਤਲਬ ਓਲਾ ਪਰ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਬਟ ਜਬ ਵੀ ਉਸਕੋ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਤਨੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਤਬ ਵੀ ਉਸਮੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਸਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਕੋ 500 ਮੇਂ ਲੈ ਗਈ ਤੋ ਕਭੀ ਕਭੀ ਆਪਸੇ 1500 ਵੀ ਲੈ ਲੇਗੀ ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ ਤੋ ਪਰ ਕੋਈ ਆਪਕੋ ਡਿਫਾਲਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਬਾਤ ਇਸਮੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਕੋ ਡਰਾਈਵਰ ਖਰਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੋ ਵੋ ਸਭ ਵੀ ਉਸਮੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੋ ਭਾਜੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਮੇਂ ਆਤੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਜਬ ਆਪ ਇਸ ਲਾਈਨ ਮੇਂ ਆਏ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਬ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਇਸ ਲਾਈਨ ਕੀ
नहीं ऐसा तो एक्सट्रीम तो कुछ भी नहीं ऐसा हुआ, मतलब ना कोई कोविड में कुछ हुआ ऐसा कोविड के टाइम आपको, मतलब कोविड में ऐसा है कि हमको ट्रिप्स में, तभी मेरे पास इनोवा गाड़ी थी तो ऐसा पहले तो लॉकडाउन था 1.5 महीने का, उसके बाद गवर्नमेंट से पास मिलते थे, ई पास कहते थे उसको, ई पास राइट, अगर आपको मतलब बाहर जाना इमरजेंसी अप्रूव करो, अगर अप्रूव हो गया तो जाओ राइट। तभी मैं तभी काफी ट्रिप्स किए थे दूर दूर, मतलब उसमें पास होता था कि डेट ऑफ जर्नी आपको उस जर्नी में आपके स्टेट के अंदर एंटर होना है। तो मैं बिहार गया था तभी, तभी मेरे को एक टाइम कम था, मेरे को उस टाइम में आना ही आना था महाराष्ट्र के अंदर, तो मैं रात को भी ड्राइव किया था, तभी कुछ गुंडे पड़ गए थे, कुछ गुंडे दरभंगा के बाद क्योंकि बिहार गया था, मेरे पास कैश भी था, मतलब पहले मैं आधा कैश देके घर पे रख गया था, 30-35-40 हजार रुपए मेरी जेब में कैश भी था, फिर 10 किलोमीटर तक मतलब चेज हुआ, तो फोन आ गया, कोविड नहीं नहीं कोविड, हेलो पाजी का फोन आ गया था तो। अच्छा पाजी आप पीछे मतलब गुंडे पड़ गए, हाँ कोविड में ना वो होता था जैसे मतलब नाकाबंदी बहुत राइट थी। राइट राइट हाँ जी, तो आगे नाकाबंदी थी तो उससे मेरी हेल्प हो गई, मैंने पुलिस के पास जाके गाड़ी रोक लिया, ऐसा ऐसा मैंने बोला, मतलब इन शॉर्ट के बच गया। तो आपने काफी नहीं तो मतलब वो 15-20 मिनट जो मेरे मतलब 15-20 मिनट नहीं 7-8 मिनट 10 मिनट जो भी मैंने मतलब 8-10 किलोमीटर तक मैंने वो किया होगा, बट बोलते ना कि घबरा गया सीगा मैं एकदम, क्योंकि ऐसा था ना कि कोई ट्रेन नहीं कोई बस नहीं, अगर उन्होंने मेरे को मार मतलब अगर गाड़ी भी ले गए मैं कहाँ जाऊंगा, पैसा ले गए क्योंकि गाड़ी ट्रेन नहीं है फ्लाइट नहीं है। तो भाजी गल पूछा थानू, थानू की फर्क लगता ओला उबेर बारे और दूसरी कैब बारे कोई भी, और अपने आपको टैक्सी के रिलेटेड कुछ बताना हो। जिन्ने भी डिफॉल्टर बंदे मतलब गए गुजरे बंदे जिहड़े जिन्ने भी जिवें कहिंदे ना आपां वी टोल पे कौन खड़े होते हैं ज्यादा, अपन जाते ना आउट स्टेशन जो जैसे तो जा रहा है बिहार को जो टोल पे वो ज्यादा वो होते जिनके आगे पीछे कोई नहीं है राइट, इसलिए कोई गाड़ी वाला मार भी गया तो कोई हम पे केस नहीं होना चाहिए, ऐसा ही ओला उबर है भाई बोलना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे आदमी भी है पर ज्यादातर ऐसे है कि जिनका साला कोई माई बाप नहीं या आधे मतलब हमने तो खुद देखा हुआ ऐसे मतलब लोफर आदमी है मतलब पूरे मतलब यहाँ कुछ आदमी मतलब 10% तो ऐसे आदमी भी हैं कि जैसे ओला को जैसे कईयों ने गाड़ी दी हुई है कि भाई हम अपना डेली का रेंट लेंगे, वो लोग 800-800 रुपए में गाड़ी मतलब रेंट, वो जैसे आप गए गाड़ी लेने आपको गाड़ी दे दी 800 रुपए में पर डे का लूंगा जी, मैं बोलता हूँ कि उनको बचता कैसे है, 800 उनको देंगे साढ़े 500 की गैस भी जाएगी 1300 तो ये हो गया राइट। तो मुझे बाद में पता लगा कि भाई ये लोग को तो कोई साइकिल नहीं देता, ये लोग को 800 रुपए में गाड़ी, इनको इनके नीचे गाड़ी आ गई वही बहुत इनको बहुत ये बात राएट, राएट, राएट। खुशी है कि गाड़ी लेंगे थोड़ा बहुत गैस डालेंगे 200-400 रुपए कमा लिए अपने नशे पत्ते तो करेंगे, राइट। दो चार जन मिलके एक ही आईडी है, कितने कितने जन चला रहे पता नहीं, कुछ लोगों के पास आईडी है एक गाड़ी है वही प्राइवेट गाड़ी पे ही बिजनेस कर रहे हैं, अरे सर मेरा गाड़ी खराब हो गया इसमें बैठ जाओ, मतलब रिस्क तो पूरा मतलब इतना है पूछो मत, और कोई खास मतलब होती नहीं है सुनवाई इनके, मतलब कस्टमर कैरी इतनी वीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई आप अभी लेके गए हैं ट्रिप, हमारे साथ भी कई बार होता है कई बार कोई पैसेंजर नहीं है अभी एयरपोर्ट से खाली आते तो ओला उबर चला लिया आगे से यही है भाई इधर ही आना है मतलब इधर ही लगा देते हैं स्टेशन में क्या। अच्छा अच्छा तो अभी समझो मान लो कि हम लोग गए हैं आपका ट्रिप हुआ 40 किलोमीटर का, बिलिंग है 20 किलोमीटर की लगाते रहो, बिलिंग हुई है 20 किलोमीटर की लगाते रहो, कस्टमर केयर को फोन कोई सुनवाई नहीं, मतलब जल्दी तो कोई फोन उठाता ही नहीं है कस्टमर केयर वाला, और मतलब अलग अलग कस्टमर होते हैं, कुछ कस्टमर हैं जो रॉयल जो टैक्सी वगैरह में बैठते हैं इसमें भी नहीं है उनका, जो बड़े बड़े ट्रैवल है ट्रैवल हाउस हो गया एक्सिस हो गया नहीं अपना एवीएस हो गया या जुबिन ट्रैवल हो गया इनसे उनके मतलब कॉर्पोरेट जो गाड़ियां होती है इनोवा हाई क्रॉस ठीक है ना, तो मतलब ये सब गाड़ियों में मतलब वो उनका ये होता है कि भाई फिक्स, तो पाजी एक मेरे दिमाग कुछ होते हैं हमारी गाड़ियों में ठीक है कोई अपनी रेंटे कार कोई पक्का है वो बुलाया है, क्योंकि जब भी हम जब भी मैं आपको बात बोल रहा हूँ ना जब भी हम टैक्सी लाइन में आए थे
तभी हर एक आदमी येलो गाड़ी नहीं लेता था, मतलब जो येलो प्लेट की गाड़ी है ना जैसे आजकल देखते हैं, क्योंकि हमारे पास तो गाड़ी, क्योंकि सबसे पहले लोगों के पास ये पॉइंट होता था कि हम बिजनेस कहाँ से करेंगे। आपको बिजनेस चाहिए ना, पहले ना तो ओला उबर कुछ था, ना ही इंटरनेट था, ना ही कोई जीपीएस था, एक आपके पास लैंडलाइन फोन होता था या किसी के पास पेजर होगा या मोबाइल होगा, ठीक है। अभी आप, आपने समझो गाड़ी ले ली, आप बिजनेस कहाँ करेंगे, राइट। तो जो टी परमिट गाड़ी उनके पास ही होता था जिनका खुद का ट्रेवल्स है, जो ये लाइन के बहुत पुराने हैं उनको खुद के पर्सनल भाड़। आज क्या हो गया, ये लो आप गाड़ी लेके आ जाओ, पीली गाड़ी रोड पे आ जाओ, मैप ले लो, ओला पर इंस्टॉल कर लो, करो बिजनेस, राइट। पहले खाली वीआईपी कस्टमर है वही टी परमिट गाड़ी को बुलाता था, जिसको प्राइवेट टैक्सी बोलते थे, okay। और बाकी यही मीटर वाली टैक्सी ज्यादा चलती थी। अभी ट्रैफिक भी कम थी और साला फाइन भी कम होता था, मतलब पहले के बिजनेस में थोड़ा फर्क था, आज तो एकदम मतलब कचरा हो गया। जी मेरे दिमाग में और सवाल आ रहा है कि ड्राइवरों को नशे के बारे में, ड्राइवर को खासकर नशे के बारे में बहुत जोड़ा जाता है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? नशा तो ड्राइवर से रिलेट करते ही है लोग, बिकॉज ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं ड्राइवर है तो थोड़ा बहुत भी करता होगा, भी थोड़ा बहुत दारू वारू पीता होगा, भी थोड़ा बहुत नशा तंबाकू सिगरेट लोग पीते होंगे, जो बात मतलब ऐसा भी नहीं है कि 100% ही गलत है और 100% भी सही भी नहीं है। okay। आज आप कितने ऑफिस के बाहर, मैं आपको दिखाता हूँ कि हर लड़की के हाथ में सिगरेट होती है, right। हर लड़के के हाथ में सिगरेट होती है, वो तो ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनको उनको मतलब क्यों चाहिए सिगरेट, ठीक है। शाम को हर लड़की भी शराब पीती है, हर लड़का भी ऐसा। हाँ, ड्राइवर का काम ये होता है कि थोड़ा तो एक तो लोइंग थोड़ा मतलब एक तो मतलब भी दिमाग में 24 घंटे टेंशन होती है यार, उसको पिकअप करना, यहाँ करना, इतना दूर जाना, इतना ट्रैफिक है, तो ये सब तंबाकू सिगरेट कोई आदमी के पास मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा उसमें एडिक्ट हो ही जाते हैं। जो बचे हुए हैं ऐसे भी बहुत हैं जो बचे हुए हैं, जो ना दारू पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना शराब पीते हैं, बट ये थोड़ा लाइन ऐसे कि थोड़ा हार्ड वर्क है इसमें, जागना पड़ता है, जागना पड़ता है। और जो लोग बाहर चलते हैं आउट स्टेशन, तो उनका तो ऑब्वियस है, कभी कभी सलाह अभी जाते हैं, जैसे मान लो शिरडी चले गया पैसेंजर, दो दिन के लिए चले गया शिरडी, महाबलेश्वर चले गया, कोई तो एक बार होटल में जाने के बाद पूछता भी नहीं है कि ड्राइवर ने खाना खाया है कि नहीं खाया, उसको गाड़ी में सोना है तो क्या करेगा, दारू तो पिएगा। चलो गाड़ी में आपको मतलब गाड़ी में आप 3 घंटा ड्राइव नहीं कर सकते, उसको तो फिर सारी रात गाड़ी में सोना है, तो उधर मच्छर भी हैं तो पीनी, दारू तो पीनी पड़ेगी, बहुत लोग मतलब अपनी मजबूरी में भी। पर देखा जाए पाजी, मेरे कहने मतलब है कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी वो ड्राइवर की बेचारे की है, जब को सेफ्टी लेके जा रहा है, हाँ, तो उसको ट्रीटमेंट अच्छा देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए। कई कस्टमर अच्छे भी होते होंगे या कई बुरे भी होते होंगे, मतलब जो पूछते हैं। मैंने बहुत कम होटल देखे हैं जहाँ पे डेडिकेटेड मतलब ड्राइवरों के लिए सोने की व्यवस्था भी है, वॉशरूम अच्छे हैं, अच्छे वॉशरूम है जहाँ पे। मैं पर्सनली तौर पे तो अभी हम जैसे मतलब क्या बोलेंगे, अभी हम जैसे खुद ही मालिक हैं, खुद ही ड्राइवर हैं, तो जैसे मैं कभी आउट स्टेशन जाता हूँ तो ट्राई करते हैं अगर गाड़ी में सोना पड़ जाए तो कम से कम रूम ले लें, उसको बोलें भाई हमसे 300 रुपये ले ले तू, हमको नहाने के लिए दे दे, बिकॉज हम खराब वॉशरूम में नहीं हम नहा सकते हैं, एक तो अपन ने पग बननी होंगी, ठीक है, बाल बुल बोने हैं, तो मनु कटोड़े मैं गड्डी च पै जूंगा, मनु को प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज गड्डी अपनी होटल दे नालों साफ, होटल से अच्छी गाड़ी अपनी साफ होती है, एसी लगाया चलो 200-300 रुपए का गैस चला जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नहाने के लिए भाई 300 रुपए ले ले हमको, 1 घंटा होटल दे दे, उसमें नहा लिया अपना सब। बट जो ड्राइवर हैं अभी देखिए, जो मेरे पास भी इनोवा थी, जैसे कोई ड्राइवर भेजना है उसको अपने 500 रुपए देना है, वो बेचारा पैसा बचाएगा ना यार, वो क्या करेगा, दो बड़ा पाव खा लिया, दो बड़ा पाव रात को खा लिया, क्योंकि हमको तो चलो पूरा पैसा बच रहा है, 3 दिन का पैसा हमको तो 10-12 हज़ार रुपए का 2 दिन के लिए गए हैं बच रहा है, उसमें से अगर हमने 1000 खा भी लिया तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो सिर्फ सैलरी वाले ड्राइवर है उनका तो एक, उनको जो मतलब जो टूरिस्ट गाड़ी चलाते हैं, मतलब जैसे बाहर चलते हैं आउट स्टेशन, हाँ ओला उबर वालों की वेख के जो अच्छे से बिजनेस करते हैं, ठीक है, जिनके पास बड़ी वो है कि जो रियल में जिसकी गाड़ी खुद की होगी वहां पे कम रिस्क है, मतलब वो कम मतलब पैसेंजर से भी मतलब दुर्व्यवहार नहीं करेगा, अच्छे से व्यवहार करेगा, और वो मतलब गाड़ी भी ठीक रखेगा क्योंकि उसकी खुद की गाड़ी है। ज्यादा खराबी वो कर रहे हैं जो टेम्पररी आते हैं, वो बोलता ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो लोग नाम भी खराब कर जाते हैं,
जो आज में मैं बोलूं, जो भी मैं आपको ट्रिप्स बोल रहा हूं ना, जिसकी खुद की गाड़ी है वो दोपहर में गाड़ी बंद कर देता है। वो दोपहर में गाड़ी नहीं चलाएगा। ओला उबर वाला जिसके पास खुद की गाड़ी है वो दोपहर में 12 से लेके 4 तक गाड़ी को स्टार्ट भी नहीं करेगा। कौन है यार 400 में एयरपोर्ट जाएगा 40 किलोमीटर का? आजकल गाड़ी का टायर है जो अभी जैसे अपनी एक्सीडेंट का टायर है वो 3,800 का टायर है। सबसे बेकार कस्टमर मेरे को वो लगते हैं जो पूछते हैं आप 1200 का ले रहे हो यार, आपकी गैस तो 200 की जाएगी, 1000 बचेगा। अरे हमको सिर्फ गैस डालना है और कोई काम नहीं है। टायर है जी, ऑयल है, इंजन, गाड़ी का सेंसर है। आपको लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है? अभी मान लो हम जैसे बाहर ट्रिप पे चलते हैं, एक छोटा सा कट लग गया, एक आपसे सिग्नल जंप हो गया, 1500 रुपया फाइन है उसमें रिस्क है। अगर आपको हम समझो खारगर से भी, मैं खारगर में रहता हूँ तो ज्यादा बात खारगर की मैं करूंगा, अगर आप खारगर से एयरपोर्ट जा रहे हो तो भाई 4 घंटा लगता है आपको अप डाउन करने के लिए, right. 2 घंटा जाने के लिए, 2 घंटा आने के लिए। ट्रैफिक में तो जो कोई ऐसा को पूछता ना यार आपकी तो 200 गैस, खाली 200 की गैस जाएगी, आप 800 ले लो, खून जल जाता है। रिस्क भी तो देखो, right. तो इसलिए भाई मेरा तो ये वीडियो के साथ जो भी मैसेज भी है, जो भी मतलब अगर आप गाड़ी मतलब ओला उबर में, हम भी मतलब थोड़ा बहुत गलती हमारा भी है, क्योंकि जो हम जिनके पास बिजनेस था ना, हमको भी लालच में हम चलाने लगे। जैसे हम यहाँ से लेके 1200 का, चलो यार खाली आना है, 500 मिल रहे तो 500 में ले चलो, ऐसे ऐसे करके उनको अच्छी गाड़ी मिलने लगी। जिनका अपना बिजनेस है उनको सारे बंदे ऐसे ही चल रहे हैं। अगर हम एयरपोर्ट खाली जाते हैं तो कुछ बॉम्बे वाले भी तो यहाँ खाली जाते हैं, वो लोग भी यही सोच के ले जाते हैं कि यार खाली जाना है ले चलो। इसमें कस्टमर का बेनिफिट हो रहा है, ड्राइवर का नुकसान हो रहा है। तो पहली बात तो मुझे लगता है यार, जैसे भी आप कई बंदे मैं सुना है, देखा भी है कि किसी ड्राइवर को लेके जाते हैं, मतलब पूछते नहीं बाद में, चाय तक नहीं पूछते या कुछ नहीं करते हैं। या मुझे लगता है कि यार इम्पोर्टेंट देनी चाहिए, वो भी इंसान है, वो भी चीज है, वो भी जॉब कर रहा है, आपकी पूरी जिम्मेवारी से लेके जाता है आपको, तो आप अगर एक एथिक्स तो हर में होना ही चाहिए, मतलब एक जा रहे तो उनको देना चाहिए ट्रीटमेंट। यार अभी मैं आपको ये बात लोगों बोलेंगे कि बहुत कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूं, बट मैं एक बात देखी, गोरा पैसेंजर फॉरेनर, हमने पहले तो हम फॉरेनर, हमारे पास मतलब 70% क्लाइंट फॉरेनर ही होते थे। अगर वो पानी लेके आएगा तो वो आपको पूछेगा नहीं पानी पियेंगे कि नहीं, वो आपके लिए बोतल लेके आएगा। क्या बात है। कॉफी लेके आएगा तो 2 कप लेके आएगा कॉफी, कि अगर मेरे साथ में 8 घंटा से है तो ऑब्वियस है यार कि मैंने कुछ नहीं खाया तो इसको भी भूख लगी है। राइट, बहुत बढ़िया बात बोली। अगर वो बर्गर लेके आएगा तो आपके लिए ही लेके आएगा। और इंडियन और फॉरेनर में ये फर्क है कि भाई इंडिया वाला आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई पापा ये कोई अच्छा होटल बताओ, ये सदा जी वो सोचेगा कि यार इसको क्या पता होगा अच्छे होटल का। फॉरेनर मेरे को शॉपिंग कहाँ से करना है, मेरे को होटल खाना खाना है कौन, वो आपसे पूछेगा। बट इंडिया वाले सोचेंगे इसको क्या पता यार, ये तो रोड से कपड़े खरीदता होगा, इसको क्या पता ये तो छोटे होटल में खाना खाता होगा। ये सब चीजें भी बहुत वो करते हैं। पापा जी मैं अभी ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करता, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ड्राइवर के लाइफ के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, कैसी लाइफ, क्या है, क्या क्या मीनिंग है, मतलब एक सेंटेंस में बताना चाहते हो, छोटी मतलब लाइन बताना, क्या क्या कहना चाहते हो कि ड्राइवर की लाइफ है क्या? अभी मतलब ये अभी ये कंपेयर नहीं आप कर सकते हैं। जो पंजाब के ड्राइवर हैं उनकी एक अलग लाइफ है। ओके। उनके पास मौसम भी अच्छे हैं, ठंडी है, ठीक है। और बाद में जैसे एक अभी बॉम्बे के भी ड्राइवर हैं, एक बंदा है जो दिन का 3,000 कमा रहा है, एक है जिसका 700 भी नहीं बन रहा है, एक है जिसने मतलब जिसको कोई अच्छी मतलब कोई मतलब कंपनी मिल गई, उसने 5-6 गाड़ी कर लिया। हाँ, जो टिपिकल अगर ड्राइविंग के बारे में पूछो तो ये है कि जो मेट्रो सिटीज है वहाँ पे ड्राइव करना बहुत टफ हो गया। ओके। ड्राइव करना बहुत टफ हो गया। और एक अच्छे ड्राइवर की भी ये पहचान है कि मतलब मेरा ये मानना है कि जिसने मतलब कोई पहले कोई खराब गाड़ी चलाई है, पुरानी गाड़ी चलाई है, उसको पता है इसने मेंटेन करा है, इसमें ये खराब हो गया है, ये गाड़ी में क्या पार्ट है, इसमें ये है, तो वो अच्छा बाद में अच्छा ड्राइवर बन जाता है। मतलब गाड़ी अगर जिसने पहले से ही बहुत अच्छी गाड़ी चलाई है, लग्जरी गाड़ी चलाई है, तो कभी कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई तो उससे सॉल्व नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं बहुत से हैं
बहुत से ड्राइवर को भी पता नहीं होता है पंचर कैसे लगाना है, टायर कैसे चेंज करना है, जो बहुत ही स्टपनी लगानी है। हाँ। तो बढ़िया भाजी, तो ड्राइवर वो है कि जो खराब गाड़ी को सही मंजिल पे पहुंचा दे। क्या बात है, ये लाइन बोल के पाजी पूरे वीडियो की जान पा देते थे। तो थैंक यू सो मच पाजी, आपके साथ बहुत ही बढ़िया लगा बात करके। तो आपसे टैक्सी की लाइफ के बारे में, मतलब इसके बिजनेस के बारे में, इसके लॉस के बारे में, इसके फायदे के बारे में सब आपने नॉलेज दी, बहुत अच्छी नॉलेज दी, बहुत डीप नॉलेज दी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कैसा लगा हमारे साथ बातें करके? बहुत बढ़िया जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने कीमती समय में से हमें टाइम दिया। तो पाजी अगर आप कभी कोई खाली में एक जी एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर मतलब कोई ऐसा ना सोचे कि हम मतलब किसी को ऑफेंड किया हो कि जैसे ओला उबर वाले को लगा हो, ये सबके लिए नहीं है। कुछ लोग हैं जो बिजनेस को जानबूझ के, मतलब जैसे होता है ना कि मतलब कि भाई हमको तो नहीं, हमको तो खाली एक महीना टेम्पररी करना है, बाद में चले जाना है। तो ऐसे लोग इसको मतलब खराब कर रहे हैं बिजनेस को। आप किसी और का काम मत खराब कीजिए। अगर आप काम करना तो दिल से करिए, पूरे ईमानदारी से करिए। और अपनी एक, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने एक ड्राइवर खराब हो जाता ना, उसमें ड्राइवर भी ऐसे ही होगा। कोई भी मतलब जैसे कोई एजिटेशन करता, मतलब कुछ करता है, पहली बात तो चलो हर के अलग अलग ख्याल होते हैं, बट जैसे कि अगर आप ये कर लो कि कोई अच्छे के लिए कर रहा है, जैसे कि यार जैसे आज के टाइम पे बहुत कम रेट मतलब ये सब कर रहे हैं, अगर कोई आदमी आगे बढ़ के बोलता है कि हम थोड़ी स्ट्राइक करेंगे, तो सबको साथ देना चाहिए। राइट, जब तक आपकी डिमांड ठीक है, जायज है, तब तक तो बिना लोगों को परेशान करे थोड़ा सा स्ट्राइक वगैरह करते रहना चाहिए। बढ़िया पाजी, आपकी सोच ही बढ़िया है और आज हमारा दिन भी बढ़िया है कि पाजी के साथ बात करने का मौका मिला। तो आपको कैसा लगा, आपको और क्या नॉलेज चाहिए हमें मैसेज में बता दीजिए, और आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा वही बता दीजिए, ताकि हम आगे से उस मतलब उस पर सुधार करें। आप हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पाजी मैंने सुना आप भी अपना चैनल बना देते। हाँ हाँ, एक है थोड़ा हंस से केवी के नाम से। हाँ जी, डाल देना लिंक, बट अभी तो इतना कुछ आ नहीं रहा है उसपे, डालेंगे ऐसी पाजी इन्फॉर्मेशन वीडियो डालते रहेगा, ताकि हमारे जैसे बंदों को नॉलेज मिले। और आपके पाजी का वीडियो का लिंक डालूंगा और पाजी इस रिलेटेड बताते जाएंगे। और प्लीज पाजी का भी चैनल फॉलो करो, और जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे पाजी बताते रहेंगे। पाजी पूरा इंडिया घूमते हैं, आपको इंडिया ही दिखा देंगे पूरे वीडियो में। थैंक यू, तब तक ले रहा। सत श्री अकाल जी।